नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉल इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। न्यूज वॉल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल भाद्रवाद के हजारा ग्रांट के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी अनियमितताओं को देखते हुए बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें राजकीय जूनियर हाई स्कूल हजारा ग्रांट की प्रधानाचार्य मंजूरानी को अभी आंशिक दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें, न्यूज वॉल इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हजारा ग्रंथ के विषय में जो शिकायत प्राप्त हुई थी अबरार अली की, उसमें उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद को जांच सौंपी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। फिर प्रबंधन समिति के गठन को लेकर भी शिकायत थी और प्रधानाध्यापक की जो ये गतिविधियाँ इस संदर्भ में हैं वो संदिग्ध रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए उनका निलंबन किया जा रहा है। निलंबन के बाद एक विस्तृत जांच कराई जाएगी पुनः, जिसमें ये वित्तीय अनियमितताएँ या प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो निकल के आएंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रावली महदूद के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के पास बने तालाब के सौंदर्यकरण का कार्य सिडकुल स्थित अकमस फार्मा कंपनी के तरफ से CSR फंड से शुरू करवा दिया गया है। आपको बता दें कि आज से शुरू हुए तालाब के सौंदर्यकरण के काम को प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद पाल की देखरेख में करवाया जा रहा था। तालाब का सौंदर्यकरण है, इसके लिए मैंने जो अकमस कंपनी उसको प्रस्ताव 2018 में दिया था, जिसके बाबत कोरोना काल चलते हुए ये सौंदर्यकरण नहीं हो पाया था। लेकिन अब कोरोना काल लगभग समाप्त है, चल रहा है, लेकिन क्या है, दवाई भी और कड़ाई वाला जो पालन किया जा रहा है, अब उसके उपरांत एकम्स कंपनी ने जो निर्णय लिया है उसने यही निर्णय लिया है कि हमारे तालाब का सौंदर्यकरण कर रहे हैं वो लोग, और इसकी बाउंड्री वॉल भी करेंगे और चारों तरफ लाइट भी लगाएंगे। कब तक ये काम पूरा किया जाएगा? ये आज शुरू कर दिया गया है, और जब तक भी देखो कब तक, जब तक मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश वारिश ना हो तो लगातार कार्य चलता रहेगा। कलिया विधानसभा क्षेत्र में सोहलपुर रोड में बने गड्ढे रोज किसी न किसी हादसों को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में कोई ना कोई हादसा होता रहता है। मामला कलिया के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सोहलपुर रोड में बने जानलेवा गड्ढों में रात को एक खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें लकड़ी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबर चंद्राचार्य चौक हरिद्वार से है, जहां सिडकुल सत्यम ऑटो कंपोनेंट से निष्कासित कर्मचारियों, उनके परिजनों और बच्चों की तरफ से कर्मचारियों के कार्य बहाली को लेकर भगत सिंह चौकी से रैली निकाली गई, जिसमें कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रकट किया गया और अपने कार्य बहाली को लेकर आंदोलन रैली निकालते हुए कंपनी प्रबंधक का पुतला दहन कर आर पार की लड़ाई लड़ने का आगाज किया है। अपनी कार्य बहाली की मांग को लेकर आज हमने कारखाना प्रबंधक का पुतला दहन किया है। अगर कंपनी हमें तत्काल प्रभाव से काम पर नहीं लेती है तो हम लोग फैक्ट्री में तालाबंदी करेंगे और फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर ही आमरण अनशन करेंगे। लालकुआ के अंबेडकर नगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 77 लाख की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इस भवन के निर्माण कार्य होने से क्षेत्र के स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। इसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका भवन निर्माण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच भी की। ये बिल्डिंग 77 लाख रुपए की लागत से विद्यालय के लिए बन रही है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त पैसा होता है और ऐसी बिल्डिंग मेरी विधानसभा में इस समय लक्ष्मपुर में, गौजाली में, लालकुआ में, पुराना बिंदुखेड़ा में बन रही हैं और धौलाखेड़ा की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन करके भी आया हूँ। कुल मिला के 5 जगह इस टाइप के भवन शिक्षा विभाग के लिए बन रहे हैं। मैं अपने लालकुआ के सभी लोगों की तरफ से उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको ये सब उपलब्ध कराया।
पौड़ी के कई ग्रामीण क्षेत्रों का इन दिनों भ्रमण कर रहे जिलाधिकारी अब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। साथ ही इन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं मौके पर जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गाँव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया, ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेता ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ वन का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुँच गया है, कुछ मकानों तक पहुँचना बाकी है। उसके लिए अलग से वो DPR में कार्यवाही उन्होंने करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। कोटद्वार के पास रामनी पोलिंजा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। जो कल एक्सीडेंट था उसमें तीन आदमी थे, उनमें से दो एक्सपायर हो गए और एक इंजर्ड है, वो भर्ती है हमारे यहाँ, तो उसका अभी हम जांच करा रहे हैं। तो अभी देखने में तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका हम सिटी स्कैन करा रहे हैं, लेकिन अभी वो कंडीशन उसकी ठीक लग रही है, पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है। उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए चलाए जा रहे ड्रग्स विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अभियान के दौरान देहरादून पुलिस ने बड़े नशा तस्कर को 425 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बता दें देहरादून पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। हमारे क्षेत्र में ड्रग्स सप्ताह के अंदर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी कड़ी में 22 तारीख को एक व्यक्ति गिरफ्तार किया और 25/26 के साथ में भी 3 लोग गिरफ्तार हुए। इन लोगों से पूछताछ पर ये जानकारी आई थी कि बरेली में ये रफीक पुत्र वकील बरेली का रहने वाला है, ये इनको वहाँ से ड्रग्स दे रहा है और न ये केवल वहाँ पे इन लोगों को उपलब्ध कराता है बल्कि स्वयं भी यहाँ आकर के ड्रग्स देता है और छोटे छोटे कुछ इसके ग्रुप हैं उनको ये सप्लाई करता है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने SOG की मदद से श्यामपुर में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने तस्कर के कब्जे से एक कार और 10 पेटी शराब भी बरामद की है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि उसने एक घर में ही शराब की डिलीवरी की है जो शराब बिक्री का काम करता है। पुलिस ने छापेमारी कर 6 पेटी शराब भी बरामद की है। वहीं शराब बेचने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया है। प्रदेश में DGP महोदय के आदेश अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है ड्रग्स माफियाओं के और शराब तस्करों के खिलाफ, उसके अंतर्गत ऋषिकेश में लगातार कई कार्रवाई की जा रही है। आज भी ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी सहित 16 पेटी शराब बरामद की गई है। मुंजिम को अरेस्ट किया गया है, पूछताछ की जाएगी और उसको जेल रवाना किया जाएगा। ऋषिकेश के शांति नगर में घर से चोरी हुए मोबाइल और रायवाला में लूटे हुए मोबाइल के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायवाला पुलिस ने लूट के दौरान वारदात में शामिल एक बाइक भी कब्जे में लेकर सीज कर दी है। पुलिस ने दोनों ही वारदातों में शामिल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये 2 अलग-अलग घटनाएं थाना रायवाला और थाना ऋषिकेश क्षेत्र में हुई थी। दोनों जगह से मोबाइल जो चोरी हुए थे दोनों को हम लोगों ने बरामद कर लिया है और मुलजिमों को जेल भेजा जा रहा है। दो ये जो रायवाला में बरामद हुए थे ये दोनों मुलजिम हरिद्वार क्षेत्र के रहने वाले हैं, पूर्व भी इस तरह की घटनाओं में प्रकाश में आए। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।